राधे कृष्णा, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि डॉक्टर साहब, अब आपने किट काफ़ी सारे लोगों को दे दी है, तो किट के क्या परिणाम रहे उसके बारे में कृपया करके हमें बताइए, जिससे कि हम मोटिवेट हों। या फिर कई लोग अभी किट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके रिव्यू होने का वेट कर रहे हैं कि पेशेंट किट के बारे में क्या बता रहे हैं। चलिए, पेशेंट तो जो कुछ भी बता रहे हैं, असली बात, सही बात तो आपको मैं बताऊंगा, परंतु हम यहाँ पर कुछ पेशेंट के अच्छे रिव्यू सुन लेते हैं। हरे कृष्णा सर, क्या कहते हैं, मुझे किट यूज किए हुए 20 डे हो चुके हैं सर। वाकई में इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं सर। मेरी छाइयाँ पहले धीमी रफ्तार से ठीक हो रही थी सर, और जब से मैं किट यूज की हूँ कर रही हूँ तो सर मेरी छाइयाँ पहले से काफ़ी लाइट भी हुई है, बिजली से साफ भी हो रही है सर, और पहले से स्किन भी ग्लोइंग और हेयर दिखती है सर। और क्या कहते हैं, और सर मुझे पहले काफ़ी एनर्जी लॉस लगता था सर, और जब से मैं किट यूज कर रही हूँ तो सर मुझे काफ़ी एनर्जी फील लगता है सर। और सर मैं पीरियड के दौरान मेरे ब्लड क्लोथिंग होती थी सर, लेकिन इस बार बहुत ही कम आए। और क्या कहते हैं, जब मैं 21 डे का डाइट फॉलो कर रही थी तो सर मेरा वेट भी, मैंने 10 kg अपना वेट कम किया था। उससे पहले मेरा वेट 70 kg था, जब मैं 21 डे का डाइट फॉलो की तो मेरा 60 kg वेट हो गया सर, 10 kg मेरा कम हुआ सर। लेकिन अभी मैं जब से किट यूज कर रही हूँ तो सर मेरा वेट भी नहीं बढ़ा, अभी मैं 60 kg की हूँ, और 60 kg की हूँ सर। और क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें तो टैली खाना है सर, तो ओवरऑल ये किट बहुत ही अच्छे हैं सर। अब सभी लोग बोलते भी हैं मुझे कि हाँ, तुम्हारा स्किन पहले से अब काफ़ी ठीक हो गया है, तो मुझे लगता है कि सर ये ठीक मतलब हो जाएंगे, तो मुझे अब पूरा विश्वास है सर कि अब मेरी स्किन ठीक हो जाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने 3-4 बातें कहीं। सबसे पहली बात तो गौर देने की यहाँ पर ये है, उन्होंने कहा कि पहले ट्रीटमेंट ले रहे थे, रफ्तार धीमे थे ठीक होने का, परंतु वो ठीक हो रहा था। किट लेने के बाद में इनका तेज़ी से ठीक होना शुरू हुआ, जिससे इनको काफ़ी अच्छा फील हुआ, और लोगों ने भी कहना स्टार्ट कर दिया है कि आपका पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक ठीक हो रहा है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि जब इन्होंने 21 डेज़ के डाइट को फॉलो किया था, तब इनका 70 kg से वेट 10 किलो घटा था, और इनका वेट 60 किलो रह गया। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि 21 दिन के डाइट इन्होंने कितनी बार फॉलो की है। क्या इन 21 दिनों में इन्होंने अपना 10 किलो वज़न कम किया, या इन्होंने ये डाइट 2 बार फॉलो किया था जिससे इनका वज़न 5-5 किलो करके 10 किलो कम हो गया। इन्होंने कहा, अब मुझे अंदर से एनर्जी फील होती है किट लेने के बाद में। ओके, देखिए इनके साथ में क्या हुआ कि इनको किट से तेज़ी से आराम क्यों लगा, क्योंकि इन्होंने 21 डेज के डाइट को फॉलो किया और इन्होंने अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया। 10 किलो चर्बी शरीर से कम होने का मतलब ये है कि टॉक्सिन तो इनके शरीर से रिलीज हो गया सारा का सारा, है ना, चर्बी भी घटी प्लस साथ में टॉक्सिक भी रिलीज हुआ, क्योंकि 21 डेज के डाइट आपके टॉक्सिन को रिलीज करने वाली डाइट थी। इसका मतलब टॉक्सिन रिलीज होने से इनकी जो इम्यूनिटी है, या फिर जो शरीर के अंदर एक शक्ति होती है जो कि हमें ठीक करने का काम करती है, वो बहुत अच्छे से काम करना उसने शुरू कर दिया। अब फिर इनके पास में कुछ मेडिसिन ऐसी पहुंच गई, या कुछ किट में जो मेडिसिन में डाली हुई हैं वो ऐसी पहुंच गई कि जिन्होंने इनको बहुत तेज़ी से ठीक करना स्टार्ट कर दिया, तो इनकी बहुत तेज़ी से ठीक होने स्टार्ट हो गई। ओके, आगे चलिए हम देखते हैं। राधे राधे सर, मैं तो सर ये प्रोबायोटिक लेते थे सर, मेरे 20-22 दिन हो गए इसके सर, असर ठीक है मतलब, तो डाइजेशन तो बहुत ही अच्छा हो गया। इसे लेने से सर छोटे छोटे पैचेस आ रहे हैं इसको लेने से छोटे छोटे। ओके, मैंने प्रियन प्रोबायोटिक्स के बारे में बताया था और काफ़ी चर्चा की थी उसके बारे में, और मैंने काफ़ी 10-12 वीडियो तो मैंने बनाई थी उनके बारे में, और फिर मैं वीडियो बनाना मैंने फिर रोक दिया था,
वो इसलिए क्योंकि अभी लोग ले रहे हैं उसको, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ लोग अपना क्या रिव्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये रिव्यू हैं जो कि कुछ लोगों ने हमें शेयर किए हैं। अब इनका प्री एंड प्रोबायोटिक ले रहे थे और इनके पैचेस बनने स्टार्ट हो गए, यानी कि आज हमने दो कमेंट लिए। आगे साथ में बताया था कि मेरे हिल से आपको फर्क पड़ेगा, मसल को फर्क लग रहा है, मुझे चाहिए मेरे। तो यहाँ पर हमने आज दो कमेंट लिए, एक तो मेल का और एक फीमेल का। आगे भी हम कोशिश करेंगे एक मेल और एक फीमेल का कमेंट हम साथ में लें, क्योंकि मेरे पास में फीमेल पेशेंट ज़्यादा है, तो हो सकता है कि मैं किसी मेल का कमेंट ना ले पाऊँ, परंतु पूरी कोशिश करूँगा कि मेल का कमेंट भी साथ में लें। तो आज यहाँ पर दोनों लोगों ने कहा कि प्री एक के प्री एंड प्रोबायोटिक्स से उनको पैचेस पड़ने स्टार्ट हो गए जो कि नहीं पड़ रहे थे। इसका मतलब उनके शरीर के अंदर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है, क्योंकि प्री एंड प्रोबायोटिक लेने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रोंग होता है। तो जब वो इनके शरीर के अंदर अच्छा हुआ, वो स्ट्रोंग हुआ, तो उनकी पिगमेंटेशन ख़त्म होने स्टार्ट हो गई। अब मैं यहाँ पर एक वीडियो की तैयारी चल रही है, वो वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। उसमें मैं टोटल 4 महीने में मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है अगले 4 महीने, चाहे आप दवाई खा रहे हों या चाहे दवाई नहीं खा रहे हों, तो पिगमेंटेशन को आपने कैसे ठीक करना है। और ये जो 4 महीने का जो वीडियो बनाऊंगा, वो हमारा पिछला 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। लगभग 3,000 जो हमने पेशेंट ट्रीट किए हैं उनके एक्सपीरियंस के साथ में मैं ये वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, कि आप विद मेडिसिन और विदाउट मेडिसिन अपने पिगमेंटेशन को 4 महीने के अंदर कैसे क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर किट कैसे काम करती है, बहुत से हम लोगों के मन के अंदर प्रश्न है कि किट कैसे काम करती है। तो सबसे पहले किट आपके त्वचा के नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर करेगी। जैसे मान लीजिए त्वचा से हमारे पसीना आना चाहिए, या फिर त्वचा के अंदर तेल की ग्रंथियाँ होनी चाहिए वो सक्रिय होती हैं, या फिर हमारी त्वचा अपने आप ऑटोमेटिकली पील ऑफ होती है, उतरती है, वो उतरनी चाहिए। कई बार कई लोगों की स्किन इनएक्टिव होती है, एक्टिव नहीं होती है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन ठीक नहीं होता उनका। हम तो केवल कोशिश करते हैं कि पिगमेंटेशन ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, परंतु उनकी स्किन एक्टिव नहीं होती है। दूसरा, कई लोगों की स्किन मोटेड स्किन होती है, मोटेड स्किन भी एक तरह से डेड स्किन होती है। ओके, तो मोटेड स्किन, डेड स्किन और स्किन इनएक्टिव की वजह से आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाता है, या फिर आपकी स्किन पील ऑफ नहीं होती है, या फिर त्वचा के ग्रंथियाँ, जो त्वचा के अंदर ग्रंथियाँ वो ठीक से वर्क नहीं कर रही होती हैं, या फिर हम ठीक करते रहते हैं केवल पिगमेंटेशन को, कारण निकलता है आपका कहीं ना कहीं पेट के अंदर। तो इन सभी के ऊपर मैं उस वीडियो के अंदर चर्चा करूँगा, और उसमें आप अपने कारण को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको पिगमेंटेशन किस कारण से है, और फिर बस उसी कारण को आप ठीक कर लेना, उसको दूर कर लेना, आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ आप उस वीडियो का वेट कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब उसको कर लीजिए, ताकि वो वीडियो आपसे ना छूट जाए। ठीक है, क्योंकि वो पिछले 1.5 साल का उसके अंदर निष्कर्ष है, और जितने भी यूट्यूबर पिगमेंटेशन के फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उन सभी का निचोड़ है उस वीडियो के अंदर। तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। अच्छा, बाकी लोगों का क्या रहा है, अभी तो हमने यहाँ पर दो कमेंट लिए हैं, बाकी मैं बाकी लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पर लूँगा। अच्छा, कुछ लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर साहब, हमारी जब हमने किट लेना स्टार्ट किया तो पिगमेंटेशन हमारे स्टार्टिंग में थोड़ी सी डार्क हुई। काफ़ी लोगों के मन के अंदर ये प्रश्न है। मान लीजिए अगर मैंने ये किट 1,000 लोगों के पास भेजी है, तो 1,000 लोग से कम 200 लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर साहब, पिगमेंटेशन डार्क हमारी क्यों हो रही है किट लेने से। तो उसका उत्तर ये है कि किट लेने से जो आपकी त्वचा की साइकिल है उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, साइकिल का मतलब ये है, जैसे हमारी त्वचा पील ऑफ होती है तो ये साइकिल होती है। तो जब आपकी त्वचा की जो अपर लेयर है, जब वो डेड हो जाएगी पर वो चेंज नहीं होगी, तो वो काली पड़ जाएगी वहाँ से, तो वहाँ से आपको डार्कनेस नज़र आएगी, पहला कारण। दूसरा कारण ये कि अगर आपके चेहरे पर ब्लड का फ्लो अगर ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आपकी स्किन इनएक्टिव है, यानी कि आपकी स्किन डेड है, तो जीवित चीज़ को, मुर्दा चीज़ को, मृत चीज़ को जीवित करने के लिए हमें ब्लड का फ्लो चाहिए वहाँ पर। तो अगर वहाँ पर ब्लड का फ्लो नहीं है, तो ब्लड का फ्लो वहाँ पर तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से आपको ब्राउन पिगमेंटेशन अपनी ब्लैक नज़र आएगी। तीसरा कारण इसका ये कि पिगमेंटेशन ये अंदर से बाहर की तरफ चलेगी। बाहर की तरफ चलने का मतलब ये है कि जो अंदर का सारा कालापन है वो बाहर की तरफ को आ जाएगा,
बाहर की तरफ आने के बाद में आपको लगेगा जैसे कि वहाँ पर बर्फ जमी हुई है, जैसे घी लगाने के बाद में हो जाता है, और उसके बाद में आपके वहाँ से पैचेस उतरने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने कई पेशेंट के अंदर पिछले एक साल में देखा है। और आप में से बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि स्किन ब्लैक होने के बाद में पैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, और एक लेयर उतरने के बाद में या दो लेयर उतरने के बाद में पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी के साथ में आपका ठीक होता है। तो ये किट का रिव्यू है, और किट के रिव्यू का मैं डेली ही करूँगा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, किट कैसे वर्क करता है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आपको ज़रूर मिला होगा। मैं यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूँ, उसकी तैयारी चल रही है, इसी महीने अगस्त में ही वो वीडियो आ जाएगी हमारी। तो आप उसको देखिए और पता लगाइए क्योंकि आपकी पिगमेंटेशन आपके शरीर में किस वजह से है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि उन्होंने अच्छे से अच्छी डाइट फॉलो की तो ठीक होने की बजाय उनका और चेहरा बिगड़ गया। ऐसा क्यों? मेडिसिन एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर की खाई, पिगमेंटेशन ठीक नहीं हुई। डाइट अच्छे से अच्छी फॉलो की, पिगमेंटेशन ठीक नहीं हुई। क्या कारण होता है उसका? हम उस कारण की भी चर्चा करेंगे उस वीडियो के अंदर, उसका निवारण, उसका सॉल्यूशन क्या है ये भी आपको बताएंगे, ठीक है? तो वो जो वीडियो है वहाँ पर आप सभी को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो जो भी आपके क्वेश्चन हैं प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट नीचे कीजिए, अपने क्वेश्चंस को आप पूछिए, तो मैं उसी के आधार पर वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, पिगमेंटेशन आपके ऊपर किस तरह से प्रभाव डालती है आपको, यानी कि पिगमेंटेशन, मान लीजिए आपको पिगमेंटेशन है, चेहरे पर झाइयाँ हैं, और जब आप बाहर निकलते हैं तो किस तरह से आपके ऊपर वो प्रभाव डालते हैं, यानी कि जब लोग आपके चेहरे को देखते हैं, जब पिगमेंटेशन आपके चेहरे पर है और लोग जब आपके चेहरे की तरफ वो देखते हैं तो कैसा फील करते हैं आप, आपके मन में क्या विचार चलता है कि वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और इसका आंसर बेहद ज़रूरी है, आवश्यक है, और इस आंसर में ही इसका बड़ा ट्रीटमेंट छिपा हुआ है, ओके, जो कि मैं बताऊंगा उस वीडियो के अंदर। तो कृपया आप प्लीज़ इतना काम कीजिए, जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। प्रश्न क्या है? जब आप बाहर निकलते हैं और लोग आपके चेहरे को देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरी पिगमेंटेशन को देखकर? बाहर निकलते हैं, लोग आपके चेहरे को देखते हैं, आपको अजीब लगता है, ठीक है, वो चीज़ मैं समझ गया, परंतु मैंने ये नहीं पूछा कि आपको अजीब लगता है, मैंने ये पूछा है आपसे कि आप क्या सोचते हैं, मतलब मैं आपके राय पूछ रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है ना। जैसे पिगमेंटेशन आपके चेहरे पर है, वो तो है ही, तो मैं बार बार क्वेश्चन को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए क्वेश्चन ये मेरा, कि ये क्वेश्चन मैं एक्चुअल में क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि इसके अंदर ही ये गहरा क्वेश्चन है और इसके अंदर ही ट्रीटमेंट का रहस्य छिपा हुआ है, ओके। तो फिर से क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर से आप उसको सुन लीजिए। जब सामने कोई पर्सन आपको देखता है या फिर आपको टोकता है या फिर केवल देखता है और वो छोड़ देता है, कैसा फील करते हैं आप? आपको क्या लगता है कि वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा हुआ या फिर मेरे चेहरे को देख के वो क्या सोच रहा हुआ अपने मन के अंदर? आपने इस चीज़ का उत्तर देना है। अगर कोई टोक देता है आपको कि अरे यार चेहरे पे क्या हो गया, कैसा फील करते हैं आप अंदर से? अपनी इंसल्ट फील करते हैं, शर्म आती है, एम्बेरस फील करते हैं सामने, या फिर मन करता है कि अपने आप को छुपा लें, कहीं छुप जाएं, हाइड कर लें अपने आप को, घर से बाहर ना जाएं? जो भी कुछ आपके मन के अंदर है आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ओके। उसी के आधार पर फिर हम आपको बताएंगे आपने क्या करना है, आपका सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, आपका साइकोलॉजिकल वे आपका क्या होना चाहिए। वैसे तो अभी तक मैंने 3000 पेशेंट से लगभग बात की है, 3000 प्लस ही हो गए हैं अब तो, 3000 से ज़्यादा पेशेंट से मैंने बात की है, तो मुझे पता है कि सोचने का तरीका क्या होता है। परंतु तो अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने बात नहीं की है, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो कि ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं परंतु काफ़ी लंबे समय से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं हमारी। तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर अपना कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट टाइप कर दीजिए, और मुझे आप ज़रूर बताइए कि आप कैसा सोचते हैं।
तो चलिए, मैं आशा करूँगा कि आप उस वीडियो की प्रतीक्षा करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप जहाँ से भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आप जो भी कर रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए, आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।